सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आटे की मदद से बिस्किट बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं बताती हूँ कि आटे से बिस्किट बनाने में हमें कौन से इन्ग्रीडियंट दरकार होंगे। इसके लिए मैंने ये 2 कप आटा लिया है, 1 कप चीनी पाउडर फॉर्म में, आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून दूध और 1 कप घी। ये घी मैंने आम घर वाला घी इस्तेमाल कर रही हूं, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन का भी। चलिए अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम आटा लेंगे, इस आटे के अंदर ये चीनी मिक्स कर इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर को। इसके साथ चंद कतरे हम वनीला एसेंस के, ये ऑप्शनल है आपकी मर्जी है, आप चंद ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते हैं, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको गूंद सकते हैं। अब ये मैंने घी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब ये 2 टेबलस्पून दूध, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसकी डो बना लिया ये आपके सामने। अब हमने क्या करना है, इसमें से आटा आपने जो गूंदा है उसका मर्जी से पेड़ा ले लेना, इस तरह गोली बनाई, इस तरह आपने इसको रखा। उसके बाद आपने इस तरह कांटा लेना है और इस तरह अब हम मैं सारे डिजाइन के बिस्किट रेडी कर लूंगी। इसकी जो आपने डो है वो पतली रखनी है, जैसे ये मैंने रखी है। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया, बेकिंग ट्रे के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है इसको ग्रीस करने के लिए। अब हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर बटर पेपर रखूंगी, अब इसके ऊपर हम अपने बिस्किट जोड़ते हैं। अच्छा, अब मैंने एक जो है वो इस तरह स्टार बनाया है, आपको जिस तरह का डिजाइन पसंद हो आप इसको वैसे बना लीजिएगा। इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, जब हम बेकिंग करेंगे तो ये फूलेंगे। अब मैं इस तरह की शेप का और इस तरह की शेप के सारे बिस्किट रेडी कर लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह सारे बिस्किट्स को रेडी कर लिया। मैंने इसको 2 डिफरेंट शेप्स में बनाया है, एक ये आपके सामने शेप है, एक मैंने स्टार्स की फॉर्म में किया है, एक मैंने इस तरह इसको सुराख लगाकर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने पहले ही 250 पर, ये देखिए मैंने ओवन को पहले ही 250 पर प्री हीटेड कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ग्रिल सेट किया है। ये बोथ साइड है, ऊपर से भी हीट आएगी और ये नीचे भी, आपको रेड कलर की अंदर से लाइन्स नजर आ रही है, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब ये प्री हीट हो जाएगा तो मैं बिस्किट की ट्रे को इसके अंदर रख देंगे बेकिंग के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इस निशान को 180 पर लेकर जाना है। अब मैं इसको ओपन करूंगी, अब मैं इसको बंद करूंगी। अब इसे हम 15 मिनट्स तक बेक करेंगे। आफ्टर 15 मिनट हमारे ये बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे।
ये देखें अब ये बेक हो चुके हैं। मैं इस ट्रे को बाहर निकाल दूंगी। ये देखें ये पक चुके हैं। इस टाइम ये फुल हीट है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ उठाकर, ये पक चुके हैं। इसी तरह आप अपने सारे बिस्किट्स को रेडी कर दें। व्यूअर्स, हमारे आटे से बने हुए बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे हमने बेक कर लिया है। ये बहुत ही खस्ता मजेदार से बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसे घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।